हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 18 नवंबर 2018 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे ओनली करंट अफेयर्स के चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग कर देंगे तो। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से क्या अपडेट है, WCD ने पॉक्सो एक्ट के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में कितने और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। 1023 किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 2 फेजेस में किए जाएंगे, 777 पहले और बचे हुए बाद में। करीब कितने बच जाएंगे, 246 बच जाएंगे। इतने कोर्ट स्थापित किए जाएंगे 2 फेजेस में और इनको स्थापित करने के लिए जो भी खर्च आएगा फाइनेंस, वो किससे ड्रॉ किया जाएगा, वो ड्रॉ किया जाएगा निर्भया फंड से। निर्भया फंड को कब सेटअप किया गया था, व्हेन वाज निर्भया फंड सेटअप, कमेंट करके बताइए आप लोग। निर्भया फंड को कब सेटअप किया गया था कमेंट करके बताएं। आपको ईयर कमेंट करना है किस ईयर में किया गया था सेटअप। 16 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हमारा एक स्टैचुटरी बॉडी है, 1990 के एक्ट के तहत काम कर रहा है, NCW एक्ट 1990 के तहत, तो ये स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी चेयरपर्सन यानी कि हेड कौन होती है ये तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका ACF पे आया था। अगस्त में पूर्णकालिक चेयरपर्सन बनी थी NCW की रेखा शर्मा। इनसे पहले ललिता कुमार मंगलम थी, उनके बाद रेखा शर्मा बनी हुई थी 2-3 महीने से अंशकालिक, लेकिन इनके पद को, इनके टेन्योर को फिक्स कर दिया गया था बाद में। अभी इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि कौन से 3 मेंबर्स यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, कौन सदस्य नहीं बनाई गई हैं, यानी कि 3 मेंबर्स इन ऑप्शन में से होंगे। ऑप्शन नंबर ABC, श्रीमती चंद्रमुखी देवी, श्रीमती सोसो शायजा, श्रीमती कमलेश गौतम, इनको बनाया गया NCW का मेंबर, ये ध्यान रखिएगा। श्रीमती विभा पारसारथी ये नहीं बनाई गई हैं। तो 3 नए मेंबर्स हैं यहाँ पर। श्रीमती चंद्रमुखी देवी बिहार से आती हैं, सोसो शायजा ये BJP से संबंधित है, ये मणिपुर से आती हैं, और श्रीमती विभा देवी आती हैं उत्तर प्रदेश कानपुर नगर से, मेरे शहर से। तो 3 लोग यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, आप ध्यान रखिएगा NCW के बारे में। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जगह पर 16 नवंबर 2018 को सेंट्रल और स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस के COC SSO का सबमिट हुआ है। 26वां ये ऐसा सबमिट था जिसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, राज्य सांख्यिकी संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनका सबमिट होता है। ये आपकी बार कहाँ पर हुआ था, ये नई दिल्ली में नहीं हुआ था, ऑप्शन में है, ये है धर्मशाला में हुआ था। तो कभी कभी नई दिल्ली नहीं भी होता है, ध्यान रखिएगा, धर्मशाला में हुआ था ये, ध्यान रखेंगे इसको। जहाज रानी मंत्रालय यानी कि शिपिंग मिनिस्ट्री ने किस उद्देश्य से प्रस्ताव रखा है कि भारत के दक्षिण तट पर साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर यातायात विभाजन स्कीम को रोल आउट किया जाएगा, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम को प्रस्ताव पारित किया गया है, किसके लिए किया गया है, क्या करने के लिए ये किया गया है, व्यापारिक जहाज और मछुआरों के जहाज में जो टक्कर हो जाती है कभी कभी, एक्सीडेंट्स कोलिजन्स हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए, कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया कि हम लोग इस तरह की नीति या फिर इस तरह की स्कीम लेकर आ सकते हैं। जहाज रानी मंत्रालय शिपिंग मिनिस्ट्री को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे, भारत किस देश के साथ अनुदान के आधार पर, या फिर इसमें आप कह सकते हैं कि भारत ने किस देश को लिथियम आयन बैटरी से युक्त 250 रिक्शे जो हैं भेंट किए हैं, दान किए हैं, अनुदान किए हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किस देश को किए हैं। 250 ई-रिक्शे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे लिथियम आयन बैटरी से चलने वाले दान किए गए हैं भारत के द्वारा सेनेगल को, ऑप्शन नंबर ए सेनेगल यहाँ पर सही है। सेनेगल के राजदूत यहाँ पर आए थे और सिंबॉलिकली उनको 250 ई-रिक्शे हैंड ओवर किए गए थे, तो ये आपको याद रखना है। सेनेगल कहाँ पर पड़ता है, ये अफ्रीकन कंट्री है, ये वेस्ट में पड़ता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम एक्सट्रीम वेस्ट पर है ये सेनेगल है। सेनेगल किन किन देशों के साथ बाउंड्री बना रहा है, ये माली के साथ बाउंड्री बना रहा है, मॉरिशियाने के साथ बना रहा है, गिनिया बिसू के साथ बना रहा है, गिनी के साथ बना रहा है, और गैम्बिया के साथ भी बना रहा है। 5 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है सेनेगल, और इसकी कैपिटल होती है डाकर, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्र में निर्माण भवन और क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपी है। स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका आपके हो गए, इनको ऐसे आदेश दिए गए हैं या फिर ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि अगर 20,000 से 50,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में किसी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में या तो निर्माण एक मकान बनवाया जाता है, कोई भी भवन बनवाया जाता है, या तो किसी भी तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर चलाया जाता है तो उसमें नॉर्म्स फॉलो किए जाएं इको फ्रेंडली।
पर्यावरण नियमों को सख्ती से फॉलो किया जाए और ये किसकी जिम्मेवारी रहेगी फॉलो करवाने की, स्थानीय निकायों की। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। 20,000 से 50,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अगर कुछ ऐसा बहुत बड़ा सा भवन या विकास परियोजनाएं बनेगी तो उनमें जो इको फ्रेंडली नॉर्म्स फॉलो करवाने की जिम्मेदारी होगी वो स्थानीय निकायों को अब दे दी है केंद्र सरकार ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सफोर्ड डिस्टिलरी ने निम्नलिखित में से किसे अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड, कोलिंस, ये सब अपने वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं हर साल, तो काफ़ी पॉपुलर ये हो जाते हैं ये वर्ड। ऑक्सफोर्ड ने इस साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है टॉक्सिक को, इंग्लिश का वर्ड है टॉक्सिक, इसको वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। 2017 में वर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने बनाया था यूथ क्वैक को, यूथ क्वैक को वर्ड ऑफ द ईयर 2017 इन्होंने बनाया था। कोलिंस ने इस साल अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है सिंगल यूज़ को, सिंगल यूज़ को। तो ये कुछ वर्ड ऑफ द ईयर आप ध्यान रख सकते हैं। टॉक्सिक यहाँ पर आंसर सही, ऑप्शन नंबर बी आपका। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ समझौता किया है 16 नवंबर 2018 को तमिलनाडु राज्य में कम से कम जो 10 शहर हैं उनमें जलवायु प्रतिरोधक जल आपूर्ति सीवेज और जल निकासी आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का यहाँ पर ऋण समझौता हुआ है आपको बताना है। इसमें ये समझौता हुआ है 169 मिलियन डॉलर का, 169 मिलियन डॉलर से तमिलनाडु में क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, जल आपूर्ति सीवेज जल निकासी ड्रेनेज इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा 169 मिलियन डॉलर की सहायता लेकर के। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? ये मनीला फिलीपींस में है, मनीला में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर 2018 को गौ समृद्धि प्लस स्कीम लॉन्च की है? गौ समृद्धि प्लस स्कीम लॉन्च की गई है केरल में, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, केरल में लॉन्च की गई है। और इसके तहत क्या होगा कि जितने भी लोग डेयरी फार्म्स खोलते हैं केरल में, जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं उनको उनका बीमा करवाया जाएगा, कुल मिलाकर के उनको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा और वो भी सब्सिडाइज्ड प्रीमियम रेट्स पर। और जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके प्रीमियम पर सरकार सब्सिडी देगी 50% की, एसटीज और एससीज से जो आते हैं उनके प्रीमियम पर सरकार सब्सिडी देगी 70% की। तो ये यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा डेयरी फार्मर्स को केरल राज्य में। केरल के सीएम इस समय हैं पिनराई विजयन। 16 नवंबर 2018 को हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल औपचारिक रूप से कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है मथुरा में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मथुरा में कंजर्वेशन सेंटर, कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर हाथियों के लिए पहले से था तो उसी के नज़दीक बिल्कुल पैरेलल में एक हॉस्पिटल खोला जाएगा। बेसिकली हॉस्पिटल ये अपनी तरह का पहला होगा। देखिए कंजर्वेशन केयर सेंटर में अंतर है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ऐसा होगा जहाँ केवल और केवल हाथियों का इलाज होगा, केवल और किसी पशु का नहीं। फॉर्च्यून ने 2018 की अपनी लिस्ट जारी कर दी है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की और इसमें एक भारतीय का नाम भी शामिल है। 12वें स्थान पर नाम शामिल किया गया है एडोब के सीईओ का, एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण, शांतनु नारायण को यहाँ पर 12वें स्थान पर रखा गया है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर्स की सूची में। इसमें कई सारे और भी बहुत एमिनेंट बिजनेस पर्सन को शामिल किया गया है, जैसे अमेजोन से जेफ बेजोस को शामिल किया गया है, तो 12वें स्थान पर हैं फॉर्च्यून के सीईओ, सॉरी एडोब के सीईओ। एडोब के कुछ प्रोडक्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, मतलब आप क्या जानते हैं एडोब के बारे में, एडोब किसकी कंपनी है, एडोब के एडिटर्स आते हैं, एडोब के पीडीएफ व्यूअर्स आते हैं, तो कुल मिलाकर डिजिटल कंटेंट वाला एक कंपनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने अपने यहाँ पर चलने वाली योजना मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देने की घोषणा करी है? मुफ्त में स्मार्टफोन देगी ओडिशा राज्य की सरकार विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर स्मार्टफोन देने की घोषणा करी थी। यहाँ पर कंक्लेव चल रहा था भुवनेश्वर में ओडिशा में, मेक इन ओडिशा कंक्लेव, और इसमें चीफ मिनिस्टर जो नवीन पटनायक जी, इन्होंने अनाउंस करा है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं ओडिशा में, करीब 6 लाख जिनकी संख्या है, उसके अंतर्गत काम करने वाली 70 लाख महिलाओं को फ्री में, फ्रीबीज के रूप में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। मिशन शक्ति के बारे में जान लीजिए, मिशन शक्ति बहुत ही बहुत पुरानी योजना है सरकार की ओडिशा की, ये चल रही है करीब 2001 से, इसके तहत वितरित किया जाएगा। ओडिशा राज्य में एक निर्माण कुसुम योजना भी चलती है, निर्माण कुसुम योजना, निर्माण कुसुम अभी हाल में अनाउंस करी गई थी एक महीने पहले सितंबर में। निर्माण कुसुम योजना के तहत क्या होता है, जो निर्माण से संबंधित लेबर्स होते हैं, मेसन्स होते हैं, मजदूर कारीगर वगैरह, उनके बच्चों को पॉलिटेक्निक्स आईटीआईज में डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है या फिर स्कॉलरशिप कह सकते हैं दी जाती है। तो ये बातों के कुल मिला के ओडिशा के बारे में।
सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। अदर न्यूज़ के सेक्शन में अगर हम बात कर लें तो प्रेसिडेंट जी विजिट करने वाले हैं जल्दी कुछ कंट्रीज़ को, ऑस्ट्रेलिया को विजिट करेंगे, वियतनाम के हनोई पर जाएंगे, इन कुछ कंट्रीज़ में जाने वाले हैं। और इसमें अगर आप देखें तो पहली बार कोई हमारे इंडियन प्रेसिडेंट होंगे ऑस्ट्रेलिया पर जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहली विजिट है कि किसी भी इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा ऑस्ट्रेलिया कंट्री की, ये इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना। इसके अलावा FSSAI जो है हमारा, उसने एक पुरस्कार देना शुरू किया है, अनाउंस करा है कि अब पुरस्कार दिया जाएगा ईट राइट, ईट राइट कैंपेन के तहत पुरस्कार वितरित किए जाएंगे अगले वर्ष से FSSAI के द्वारा। FSSAI के हेड कौन है, यहाँ पर CEO होते हैं हेड, इसके डायरेक्टर और CEO होते हैं, डायरेक्टर और CEO क्या दोनों के नाम आप बता सकते हैं कमेंट करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन आपका, FSSAI के CEO और डायरेक्टर का नाम कमेंट में लिख करके बताएं, और ये भी बताएं क्या FSSAI जो है हमारा, क्या ये स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी हाल ही में बर्नार्ड स्टार बी की खोज की है। बर्नार्ड स्टार बी एक्चुअली में है क्या, बर्नार्ड स्टार बी एक हमारा सुपर अर्थ बताया जा रहा है, इसको टर्म दिया जा रहा है सुपर अर्थ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। हमने कुछ क्वेश्चन आपसे करे थे कल के वीडियो में, ऑप्शन सॉरी यहाँ पर आंसर दे दिए हैं व्यूवर्स ने, काफ़ी लोगों ने आंसर दिए थे, हम दिखाते किसी एक का ही है। तो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले किस कंट्री ने करी है, जर्मनी ने की थी। यहाँ पर कुछ फ्यूल सेल्स इंटीग्रेट किए जाएंगे इस ट्रेन में और ये चलेगी, अभी शुरू नहीं की गई है, ये शुरू होने वाली है। सेवा भोज योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, इसमें क्या होता है कि जो हिस्सा होता है GST का केंद्र सरकार का, उस पर छूट दी जाती है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कह सकते हैं मंदिर गुरुद्वारे वगैरह होते हैं या फिर कोई भी ऐसी संस्था होती है जो मुफ्त में लोगों को भोजन करवाते रहते हैं, चाहे प्रसाद के रूप में चाहे फ्रीबीज के रूप में। रूबल करेंसी होती है रशिया की और बेलारूस की। रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो जो है ये पूरी तरह से घुसा पड़ा है इटली में। हमने हमसे पूछा था किसी लैंडलॉक्ड कंट्री का नाम बताइए जो एक ही कंट्री के अंदर हो, एक ही कंट्री के अंदर जो है बनी हुई हो, तो सैन मरीनो का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, इनक्लेव्ड है इटली में। और भी लोगों ने नाम बताए थे कुछ, आप कमेंट देख सकते हैं उनके। हम लोग दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट करके कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। चार ऑप्शन है, बता सकते हैं कमेंट करके। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में इंडिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये बताइए कमेंट करके आप। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर आप बता सकते हैं, वीडियो के मिडिल में जो मैंने पूछे थे उनका आंसर बता सकते हैं। अब सेशन को एंड कर लेते हैं हम लोग।